महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरे पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का झूठ की राजनीति कर रही कांग्रेस, लोगों को मोदी की गारंटी पर विश्वास। जी की गारंटी के ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं, महाराष्ट्र झारखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो जीत कर। नहीं देखिए, सभी इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तीसरी बार केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उसका भी इम्पैक्ट है। और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समर्थन मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट है, उसका भी इम्पैक्ट है। और वहाँ पर लोग इस पराली जलाने के मामले को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे किसान नहीं जलाते इतनी पराली। हमने किसानों को समझाया, किसानों को कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है जो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। किसानों को हमारे किसान बड़े समझदार हैं, हम उनको समझा भी रहे हैं। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि किसान ज़्यादा पराली जला रहे हैं। अगर हम देखें कि हमने जो पीछे भी बात की थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे किसानों को अप्रिशिएट किया था, उनकी प्रशंसा की थी। और अब की बात, विधानसभा का सत्र और इस पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कहा 13, 14 और 18 नवंबर तक ये सत्र चलेगा। नेता विपक्ष के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है वह कब तक चुनेंगे, क्योंकि ये विपक्ष का अपना विषय है किसको उन्होंने नॉमिनेट करना है, किसको नहीं करना है, उनका अपना विषय है। देखिए ऐसा क्योंकि उनका विषय है, मैंने कहा है कि ये हमारा विषय नहीं है, ये विपक्ष का उनका अपना इंटरनल मामला है, वो किसको नॉमिनेट करेंगे। 13 नवंबर से शुरू होने वाला हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष अमीडा ने बताया कि विधानसभा सत्र की अवधि 3 दिन रहेगी। ये फैसला लिया गया कि 3 दिन का सेशन चलेगा, 13, 14 और 18 तारीख का, और इसको बड़े अच्छे ढंग से चलाया जाए, बड़ी मर्यादा में चलाया जाए, इस विषय पर भी चर्चा हुई और प्रत्येक विधायक को समय मिले इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जिससे प्रत्येक विधायक को अपनी बात रखने का मौका मिले। और वहां पर यह फैसला लिया गया कि 3 दिन का सेशन चलेगा। हरियाणा सरकार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाए कई गंभीर आरोप, कहा सरकार की 2 ही उपलब्धियां हैं, किसानों का एमएसपी और खाद की समस्या का करना पड़ रहा है सामना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नेता विपक्ष पर दिया जवाब, कहा पार्टी ने अपना प्रस्ताव हाईकमान को भेज दिया है, चुनाव के बाद हो जाएगा फैसला। सरकार बने हुए हैं, दो काम किए, एक तो किसान को खाद मिलता नहीं और एमएसपी मिलती, एमएसपी का वायदा क्या है 3100 देंगे, जो एमएसपी है उससे भी कम मिल रहा है, 300-300 रुपये प्रति क्विंटल कम मिल रहा है। और किसानों पे 5 दिवसीय उत्तर भारत के सबसे बड़े कपाल मोचन मेले का आगाज, अंबाला मंडला आयुक्त गीता भारती ने रिबन काट कर किया शुभारंभ, इस दौरान डीसी मनोज कुमार समेत प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। कपाल मोचन मेले में पहली बार आए, उसके लिए यहाँ के प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जो भी इस मेले में आएंगे लोग उनका भी बहुत स्वागत है। और व्यवस्था चूँकि अभी आज शुरुआत ही है, लेकिन जो एग्जीबिशन देखने से लग रहा है कि ये बहुत खूबसूरती से मैनेज किया गया है, जिला प्रशासन इस पे पूरी तरह से मुस्तैदी से काम करेगा और सभी आने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही। सोनभद्र जिले में पराली जलाने के मामले में अब की बार पिछले साल की अपेक्षा कमी आई है, 3 मामले गोहाना में सामने आए हैं। किसानों को किया जा रहा लगातार जागरूक, वहीं कृषि विभाग ने डीएपी खाद को लेकर भी दी जानकारी। जिला सोनीपत में अब तक अरसा की लोकेशन के हिसाब से 53 एक्टिफाइड लोकेशन आ चुकी, जिनमें से 13 लोकेशन पे आगजनी की घटना पाई गई, बाकी 40 पे फेक पाई गई, जिसकी वेरिफिकेशन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो नशे के कारोबार के खिलाफ गोहाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शहर के आउटर की 3 कॉलोनियों में रेड की, कई घरों में तलाशी अभियान चलाया। पुलिस को ड्रग्स बेचने की सूचना मिली थी, एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई कार्रवाई, तलाशी के दौरान नहीं मिला कुछ। नहीं अब खुद फिलहाल कुछ नहीं बताया, एनडीपीएस एक्ट के उसमें रेड की थी, जो आर्यनगर में, देवीपुरा में और यहाँ
कॉलोनी या विकास गवर्नमेंट गवर्नमेंट के भी ध्यान रखेंगे।